महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में दंगों जैसी परिस्थिति भी निर्माण हुई थी। इस पूरे मुद्दे पर नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से नागपुर में शांति बनी हुई है। आयुक्त ने कानून हाथ में लेने वालों को इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो पुलिस विभाग अंतिम क्षण तक विनती करेंगे, मगर इसके बावजूद नहीं माने तो नागपुर पुलिस की ओर से आश्वासित करता हूं कि पुलिस इतनी कड़क कार्रवाई करेगी कि उनको सालों तक याद रहेगा। मैं बहुत कम समय में, मतलब हमें 6:38 तक, 6:38 तक हमें खत्म करना है, 6:41 को शायद समय है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं यहां करीब 1.5 साल से ज्यादा नागपुर शहर में हूं, और एक बात जरूर सामने आई है कि ये नागपुर शहर की आम जनता अमन प्रिय, शांति रखने के फेवर में रहते हैं और कभी भी कुछ समाज कंटक जो कुछ है उसको कभी भी उनको सफल नहीं होने देते। ये मिसाल नागपुर शहर के सभी धर्म जाति गट के लोगों ने दिखाया है। नागपुर के अगल बगल शहर में कुछ गंभीर प्रकार की घटना हुई, मैं पुलिस विभाग और आपके सभी की तरफ से यहां आए माजी मंत्री श्री अनीस अहमद साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वो कह रहा था कि जब एक गंभीर प्रकार के कुछ मुद्दे सामने आए और अमरावती शहर में बहुत ही गंभीर घटना चल रही थी, तब नागपुर शहर ने दिखाया कि अगल बगल के शहर, राज्य, देश में कुछ भी हो, नागपुर शहर शांत रहता है और यहाँ पे कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। ये परिचय आपने दिया। कभी भी कोई ऐसी घटना, अगर छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं कुछ हुई भी होंगी तो हर समाज और धर्म के प्रतिष्ठित लोग, अच्छे लोग पुलिस के और प्रशासन के साथ खड़े रहे, जिसके वजह से हमें कहीं भी एक थोड़ा भी बल का भी प्रयोग करने का मौका नहीं आया। यह आप सभी की जो अच्छाई है, आप सभी की जो पुलिस विभाग और प्रशासन पे विश्वास है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि और जिस प्रकार का प्रेम विश्वास आपने पहले दिखाया है वो आगे भी ऐसे ही कायम रहेगा, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। कुछ मुद्दे कुछ लोगों के द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं, कौन उसको उपस्थित कर रहा है इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी भी मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कायदा बनता है तो उसकी अमल बजावनी करनी, स्वतः खुद से उसकी अमल बजावनी करनी, ये सभी की धर्म है, सभी का ये जवाबदारी है। मेरी आपसे यही आह्वान रहेगी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस या नियम या कुछ विषय लाउडस्पीकर्स के बारे में आए हैं वो आप लोग खुद से इस पे आप परीक्षण करके आप खुद इस पे एक निर्णय लेंगे जो नियम और कायदे के अनुसूरण रहेगा, यही हमारा आपसे आह्वान है। इस मुद्दे पे मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर कायदा व सुव्यवस्था का परिस्थिति निर्माण करने का कोशिश करता है या कोई भी जोर जबरदस्ती या खुद कायदा हाथ में लेने का प्रयत्न करता है तो पुलिस दल की भूमिका एकदम साफ है। हम अंतिम क्षण तक उनसे हाथ जोड़ के विनती करते रहेंगे कि कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न आप निर्माण न करें, कायदा हाथ में न लें। लेकिन अगर वो कायदा हाथ में लेने की जरूरत कोई भी करता है तो नागपुर शहर पुलिस दल के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के तरफ से मैं आपको ये आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस इतनी कड़क कार्रवाई करेगी कि उनको बहुत सालों वर्षों तक याद रहेगा कि उन्होंने कायदा हाथ में लिया था। पुलिस दल पूरी तरीके से सुसज्ज है। हमारा अंतिम क्षण तक प्रयत्न यही रहेगा कि हम कोई भी बल का प्रयोग करने का समय नहीं आए, कोई भी हमको कड़क कार्रवाई करने का समय मौका नहीं आए, लेकिन अगर कुछ एकाध दो टक्के समाज कंटक जो रहते हैं अगर वो उन्होंने ऐसी कोई जरूरत की तो आपसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप प्रशासन पे विश्वास रखें, पुलिस विभाग पे विश्वास रखें। अगर वो 5-10 लोग आते हैं तो आपको सामने आने की जरूरत नहीं है, आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, पुलिस पे विश्वास रखें,
पुलिस उनके डबल संख्या में उनके 10 पट संख्या में पहुंचेगी और उनको प्रॉपर कायदेशी नियम के अनुसार कार्रवाई हम जरूर करेंगे।